इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल से मुरसलीम खान बने नूहू जिले के जिलाध्यक्ष। ग्रामीणों ने मुरसलीम खान को फूल मालाओं तथा पगड़ी पहनाकर किया जोरदार स्वागत। लगातार कई वर्षों से देश हित में मानव अधिकारों के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल काउंसिल की हाई कमिश्नर डॉक्टर आकांक्षा विद्यार्थी द्वारा मुरसलीम सिरोली को नूहू जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बता दें कि मुरसलीम सिरोली द्वारा लगातार सन 2008 से समाज सेवी संगठनों में समाज के हित के लिए कार्य किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल काउंसिल के नवनियुक्त नूहू जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे इसके लिए संगठन के हाई कमिश्नर डॉक्टर आकांक्षा विद्यार्थी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने उसे इस काबिल समझा। उन्होंने कहा कि नूहू जिले के साथ साथ अपने क्षेत्र में वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा शासन प्रशासन से मिलकर पीड़ित शोषित गरीब मजदूरों की आवाज बनेंगे। वही उन्होंने कहा कि इलाके में जुआ सट्टा अवैध शराब की बिक्री नशाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा नशे के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लगातार फैल रहे अपराध के बारे में युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ शासन प्रशासन से मिलकर हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। मुरसलीम खान को जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर उनके गांव में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने उसका फूल मालाओं में पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया है। इस अवसर पर चौधरी कुर्शीद पटवारी, पूर्व सरपंच नारंगी, पूर्व सरपंच अशरफ कुर्शीद, समाजसेवी वसीम सिरोली, पूर्व वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति शेर मोहम्मद, फारूक डीलर लियाकत, पूर्व मेंबर कमरुद्दीन मेंबर, इकबाल प्रॉपर्टी डीलर, आकिब नंबरदार, वकील नंबरदार, फखरुद्दीन बोहरे, अजीज ठेकेदार, राजू डिपो होल्डर, राशिद प्रॉपर्टी डीलर, नूर मोहम्मद एक्स आर्मी, हब्बी कुर्शीद और पप्पू इलियास, साहिल मोहम्मद कादिर, अन्य ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के उच्च पदाधिकारियों का धन्यवाद किया है। मेरा नाम मुरसलीन है जी। मुरसलीन कौन सा गांव है? मेरा गांव सरोली है। तो ये संगठन है, संगठन का क्या नाम है जिसे आपको जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो संगठन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल। क्या मुख्य कार्य क्या हैं इस संगठन के, किस तरीके से संगठन काम करता है? संगठन हमारा जो काम करता है जैसे गरीबों की आवाज़ उठाना, गरीब आदमी के जैसे मतलब कोई भी जुल्म हो रहा है, दहेज का मामला हो, उत्पीड़न जो भी हो रहा है, हिंसा जो हो रही है और जैसे मतलब बुराइयां फैल रही हैं, तो उसमें हमारा ह्यूमन राइट्स का जो संगठन है वो काम करता है। और हम जा के जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, जहाँ मानव अधिकार का हनन होता है, हमें वहाँ जाना पड़ता है। हम अधिकारियों से बात करते हैं, जायज नाजायज कोई भी परेशानी जो भी होगी हम उसमें मदद करते हैं। तो जैसे गाँव के अगर माहौल की बात करें, गाँव में नशे के प्रति जो युवाओं की जिंदगी आए दिन दलदल में फंसती जा रही है, तो आपका संगठन द्वारा ऐसे युवाओं के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? हाँ, इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। सभी गांवों में जा कर जागरूक करेंगे। युवा जो पीडीएच जो एक हम अभियान चलाएंगे, यहाँ मिलके नहीं, पूरी टीम हमारी जो यहाँ पे काम करेगी और हम नशे को मुक्त कराएंगे। और तो शासन प्रशासन का कैसा सहयोग, किस तरीके से सहयोग? प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और प्रशासन के सहयोग से ही हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे गाँव में और भी समस्याएं हैं, कहीं हॉस्पिटलों की कमी है, कहीं स्कूलों में टीचरों की कमी है, शिक्षा पर किस तरीके से कार्य किया जाएगा? रही बात शिक्षा के जैसे मतलब जहाँ भी टीचर कम है, हम सभी की आवाज़ उठा के हम बीओ से मिलेंगे, डीओ से मिलेंगे। और जहाँ हॉस्पिटल की बात आती है, हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स नहीं है जैसे, उनको भी उनकी आवाज़ को भी हम यहाँ से उठाएंगे। और हमारे जो हाई कमान आकांक्षा विद्यार्थी जो कि हाई कमान हमारे जो दिल्ली में हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके पूरे यहाँ से जो भी समस्या है उनके सामने हम रखेंगे, ऊपर की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, अधिकारियों से हम बात करके पूरे सहयोग से अपना पूरा सहयोग वहाँ निभा के नहीं सब। तो आज गांव वालों ने आपका जोरदार स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए?
मैं इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। जो मेरा आज मेरा मान सम्मान जो गांव मेरे जो गांव ने मेरे को दिया है, जो एक रस्म पगड़ी जो मेरे सिर पर बांधी है, इसका मैं पूरी स्पष्ट निष्ठा से मैं काम करूंगा और इसका पूरे जो मेरे मान सम्मान की पगड़ी दी है इसकी पूरी लाज रखते हुए मैं किसी गलत काम को नहीं होने दूंगा।